लेटेस्ट अपडेट्स के लिए अल्ट्रा चैनल्स को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस करें। यहाँ कैसे? इनकी बेटी सपना अमेरिका से लौट रही है, उसे लेने आए हैं बैंड बाजे के साथ। क्या हुआ भाई साहब? आग लगी प्लेन को। कौन से प्लेन को? मुझे नहीं पता भाई साहब, कौन से प्लेन को आग लगी है? भाई साहब कौन से प्लेन को आग लगी है? वो जो अमेरिका से आ रहा था। सपना, सपना उजाला, तुम्हें मिलने का सपना मेरा सपना ही रह गया। एक बार तुम्हें देख भी ना सकी। तुम्हारी कविताओं में तुमसे मिली और शायद तुम्हारी कविताओं के साथ ही खो जाऊंगी।
बेटा अभी तक हवाई जहाज में हो। पापा अच्छे लग रहे हैं ना? देखा पापा, माँ को भी पसंद आया। उन्हें अपनी बेटी की पसंद अच्छी ना लगे, ये कैसे हो सकता है बेटा? बेटा, तुम्हारी हर पसंद हमारी पसंद है, तुम्हारी हर खुशी हमारी खुशी है। तुमने कहा कि पढ़ाई के लिए अमेरिका जाऊंगी, हम इनकार ना कर सके, अकेले रहे, तरसते रहे, बिना जाने हमारी सपना, हमारी बच्ची। पापा खबरदार, लड़ पड़ूंगी अगर मुझे बच्ची कहा तो। मैं आपको बच्ची लगती हूँ, देखिए देखिए मैं आपसे भी लंबी हो गई हूँ। बेटा, माँ बाप के लिए औलाद हमेशा बच्ची रहती है, इसलिए जब तुम हमसे इतनी दूर चली गई तो हमारे दिल में बीसों डर। और कैसा डर? अरे बेटा, लड़के जब घर से दूर हों तो माँ बाप को तो डर लगता ही है। क्यों, लड़कियाँ किसी से कम होती है क्या? वो अपनी रखवाली कर सकती है। और बेटा देखो, स्त्री होने के नाते तुम्हारी जिम्मेदारी और भी ज्यादा हो गई है। देश के आने वाली नस्लों का भविष्य स्त्री के हाथों में होता है, इसीलिए हमारे बुजुर्ग शादी ब्याह को इतना महत्व देते आए हैं। लेकिन आज जमाना बदल गया है पापा। आज शादी ब्याह में लड़की की अपनी पसंद ना हो ये वो बर्दाश्त नहीं कर सकती, इसीलिए हमारे बुजुर्ग स्वयंवर रचाया करते थे। पापा, क्यों न इतिहास को दोहराया जाए, क्यों न सुंदर प्रथा को फिर से ताजा किया जाए। कौन सी सुंदर प्रथा? हम अपनी बेटी के लिए स्वयंवर रचाए। मेरे लिए? हमारी सपना के लिए, हमारी शहजादी के लिए। स्वयंवर दूर दूर हमारी बेटी का चर्चा होगा, दूर दूर से शहजादे आएंगे। और वो सब कभी ही कभी होंगे। कोई राजकुमार होगा तो कोई राणा, कोई ठाकुर होगा तो कोई राजपूत। सब अपनी अपनी कविता सुनाएंगे, और जब वो अपनी कविता सुनाएगा तो सारा स्वयंवर गूंज उठेगा। हैरत से सब बुत बन जाएंगे, और चारों तरफ वाह 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 होगी। और सबको कितनी मायूसी होगी जब मैं आगे बढ़ के उसके गले में माला डाल दूंगी, और आप
सबके सामने बड़े मान से उस कवि को अपना ले। बेशक बेशक। कवि को? कौन से कवि को? उसी कवि को। उसी कवि को? हाँ पापा, वही कवि तो मेरे सपनों का शहजादा है। सपनों का शहजादा? पापा। ओ तो बेटा बताओ बताओ, जल्दी बताओ, हम भी तो सुने। वो कौन खुश नसीब है जिसने हमारी बेटी का दिल जीत लिया है? कोई राजकुमार है? राजकुमारों का राजकुमार, जिसके पास अनमोल दौलत है। अनमोल दौलत? कौन सी स्टेट है उसकी बेटा? वो इस लोक की सबसे बड़ी स्टेट का राजकुमार है, जिसकी सीमा धरती और आकाश से भी आगे है। दिन में इस धरती पर जितनी खूबसूरती नजर आती है वो सब उसकी जागीर है, और रात को आकाश में जितने तारे दिखाई देती है वो सारे के सारे भी उसी की रियासत में है। सपना, अब इस सपने से जागो बेटा और हमें बताओ कौन है वो। मैं तो इतना ही जानती हूँ, वो एक कवि है। तुम उससे कहाँ मिली थी? उसकी कविताओं में। कविताओं में? हाँ पापा। तुम्हारा मतलब है तुम आज तक उससे मिली भी नहीं? नहीं। उसे देखा भी नहीं? पर मैं जानती हूँ वो अपनी कविताओं की तरह सुंदर, अपने विचारों की तरह महान और अपनी कल्पना की तरह अनोखा होगा। पापा, आप भी उसे मिलेंगे ना? मिलूंगा मिलूंगा। पापा। चली जा रही थी। ओ पापा, मैं कविता में खो गई थी। बहुत अच्छी है, आप भी सुनिए। शहजादा है, राजकुमारों का राजकुमार, सीमा धरती आकाश। उसने और क्या क्या कहा? कहती थी
कि वो इस लोक की सबसे बड़ी स्टेट का राजकुमार है जिसकी सीमा धरती और आकाश से भी आगे। धरती और आकाश से आगे, यू मीन बियॉन्ड द अर्थ एंड स्काई, इन द हेवंस, पर लोक में। ये बड़े पते की बात है, वेरी वेरी सिग्निफिकेंट। और सुनो डॉक्टर, कहती थी कि दिन में इस धरती पर जितनी भी सुंदरता नजर आती है वो सब उसकी जागीर है, और रात में आकाश पर जितने भी सितारे दिखाई देते हैं वो सब के सब उसकी रियासत में है। इम्पॉसिबल, सारे सितारे रियासत में कैसे हो सकते हैं? बिल्कुल नहीं हो सकते, यही तो मैं कहता हूँ। सपना उसे कहाँ मिली थी? कविताओं में। कविताओं में? हाँ। बात हूँ, आर यू सीरियस? नदर सिग्निफिकेंट पॉइंट। अरे डॉक्टर, वो तो उसके गले में माला डाल रही थी स्वयंवर में। आप क्या कह रहे हैं? बिल्कुल ठीक कह रहा हूँ। तो फिर आप उसे रोका क्यों नहीं? रोकने के लिए तो आपको बुलाया है। एक बात बताइए, सपना पहले तो कभी ऐसी बात नहीं करती थी? मेरा मतलब बचपन में या इस हवाई जहाज वाले इंसिडेंट से पहले? नहीं डॉक्टर, वो तो इतनी प्यारी, इतनी शरारती, और बचपन से ही अपनी उम्र के बच्चों से ज्यादा होशियार, ज्यादा जज्बाती। जज्बाती, करेक्ट, इमोशनल। इसलिए वो हादसा सपना को पागल कर देने के लिए काफी था। सच तो ये है राय बहादुर, इंसान का दिमाग चाहे तो बड़े से बड़ा शौक सह सकता है, न सहे तो छोटे से डर से भी उसका बैलेंस डिस्टर्ब हो जाता है और लोग दीवानों की हरकतें करने लगते हैं। लेकिन यू डोंट वरी, मैं सब ठीक कर लूंगा, लाइक दिस। डॉक्टर आया है, डॉक्टर। गुड। क्या, क्यों, क्या हो गया पापा को? पापा के लिए नहीं, आपके लिए आया है। मेरे लिए? मुझे क्या हुआ? कहता है खराब हो गया है दिमाग आपका। क्या, मेरा दिमाग खराब हो गया? ये तो उसने पापा से? हाँ। कहाँ है वो डॉक्टर? सरकार के कमरे में, खूब कान भर रहा है उनके। कहता है जैसे आप खोई खोई रहती है ना, ऐसे दीवाने रहते हैं। मुझे दीवाने कहता है? कीजिए, अच्छा अभी बताती हूँ। मर गई दीदी जी, वही है, इधर ही आ रहा है। खोल दे। बेटा, मैं अपने एक दोस्त को तुमसे मिलाने लाया हूँ, ये है डॉक्टर सिंह। हाउ डू डू? बेटा, ये घर के ही आदमी हैं, तुम इन्हें बेधड़क सब कुछ बता सकती हो। मेरा मतलब है कि तुम इनसे कोई भी बात कर सकती हो। डॉक्टर सिंह स्पेशलिस्ट हैं, इनकी गिनती दुनिया के मशहूर साइकाइट्रिस्ट उनमें होती है। डॉक्टर साहब, आप तशरीफ रखिए, मैं भी आता हूँ, मुझे जरूरी काम है, मैं भी आता हूँ। बेटा आप बैठिए, बैठिए। मेरा परिचय जब कोई डॉक्टर कहे कराता है तो मैंने अक्सर देखा है कि लोग बेचैन से हो जाते हैं। अब भला बताओ, डॉक्टर से घबराने की क्या जरूरत है? हैं? बैठ जाओ। तो आप साइकेट्रिस्ट हैं? वो तो मैं गलती से हो गया। तो आप लोगों का दिमाग ठीक करते हैं? यस, लेकिन इस वक्त तो... इस वक्त आप मेरा दिमाग ठीक करने के लिए आए हैं? नॉट एट ऑल, नॉट एट ऑल। तुम्हें ऐसा सोचना भी नहीं चाहिए। क्यों नहीं? आप ही तो पापा के दिल में मेरे खिलाफ वहम डालते रहे हैं। क्या क्या उठपटांग कहा है आपने उनसे? उठपटांग? मैंने नहीं तो कहा है, जरूर कहा है। Don't get excited. I'm not excited. Good. बैठो, बैठो। मैं नहीं बैठती। आप मुझे एग्जामिन करने के लिए आए हैं? No, but I mean my pulse, my tongue. आप साइकेट्रिस्ट है ना, आप तो ये देखेंगे। ऐसा करो, थोड़ी देर के लिए तुम बिल्कुल भूल जाओ कि मैं साइकेट्रिस्ट हूँ। मेरा बस चले तो आपको भी भुलवा दो। अच्छी चोट की है, हम भी लखनऊ कई बरस रहे और मजाक का मजा लेना जानते हैं। आओ, अब तो बैठो। मैं नहीं बैठती। तो खड़े होकर बातें करेंगे। विल स्टैंड एंड टॉक।
क्या देख रहे हैं आप? देख नहीं रहा, सोचा। कमाल है, तुम लोगों से उनकी कविताओं मिल लेती हो। मार्वेलस, एब्सोल्युटली मार्वेलस। इज वेरी हैंडसम। वो बहुत खूबसूरत होगा कवि। जी हाँ, आपसे ज्यादा। आप कौन होते पूछने वाले? करेक्ट, ठीक, बिल्कुल ठीक। हम कुछ और बातें करेंगे, लेट्स टॉक समथिंग एल्स। अच्छा ये बताओ, तुमने कहाँ कहाँ की सैर की, तुमने क्या क्या देखा, और तुम्हें अमेरिका कैसे लगा? बताऊं? हाँ हाँ जरूर जरूर बताओ। क्या जानना चाहते हो अमेरिका के बारे में? इतना बड़ा मुल्क है, बिल्डिंग ही बिल्डिंग, इतनी ऊंची ऊंची, और हवाई जहाज ये बड़े बड़े, जेम्स को गोली की रफ्तार से जीते दस बीस नहीं, पच्चीस पचास नहीं, पूरे 630 आदमी मारे गए एक्सीडेंट में, नेवर्स की ट्रैफिक में। क्या समझे आप? समझा, सब समझ गया। आप यहाँ क्यों आए हैं जल्दी बताइए। बात ये है, जिस प्लेन से तुम आ रही थी वो प्लेन क्रैश होने वाला था, हम सब मर जाते थे, सब के सब, सब। अगर हम नहीं मरे क्या करूँ? बताइए बताइए क्या करूँ? रिलैक्स रिलैक्स, शांति, घबराने कोई बात नहीं है। तुम बिल्कुल ठीक हो। मैं ठीक हूँ। केस बहुत कॉम्प्लिकेटेड है, आपको अपनी बेटी को मेरे नर्सिंग होम में एडमिट कराना होगा और इसको दो चार हफ्ते में रहना पड़ेगा। पापा, इनका दिमाग खराब है, आप इनकी बात पर ध्यान मत दीजिए, मैं बिल्कुल ठीक हूँ। पापा, अब मुझे नर्सिंग होम नहीं भेजेंगे ना? कहिए, नर्सिंग होम नहीं भेजेंगे ना? नहीं भेजूंगा, नहीं भेजूंगा बेटा, आप नहीं भेजूंगा। डॉक्टर, मेरी बेटी अच्छी हो जाएगी ना? अच्छी हो जाएगी, लेकिन दो तीन महीने जरूर लगेंगे। आपने मुझे ठीक वक्त पर बुला लिया है, लेकिन सुनिए, अपनी बेटी पर सख्त पहरा रखिए और जल्द से जल्द एडमिट करा दीजिए। मैं कल ही ले आऊंगा, मैं कल ही नर्सिंग होम ले आऊंगा डॉक्टर। साइकियाट्रिस्ट दोस्त ने तो मुझे पागल ठहरा ही दिया है, उन्हें झुठलाने की अगर कोशिश भी करूं तो कौन सा आप मान जाएंगे, इसलिए मैं यहां से जा रही हूं। जब मैं उजाला को आपके सामने लाकर खड़ा कर दूंगी तो भी आपको विश्वास होगा कि मैं पागल नहीं हूं। सपना! रास्ते में जीप छोड़कर
ड्राइवर इडियट स्टूपिड अरे आने दा अरे इडियट इधर नहीं अब मैं फुलवाड़ी कैसे जाऊंगी क्यों गिराई तुमने मेरी कार खड्डे में बहुत अच्छे उल्टा चोर कोतवाल को डांटे गाड़ी मैंने गिराई है तुमने खबरदार जो तुमसे बात की तो आपसे बात करो आपसे बात करूं या हाथ से बदतमीज जंगली बिल्कुल तुम शट अप यू शट अप खबरदार जो आगे बढ़े मैं पूछता हूँ क्या मतलब था इस तरह मेरी जीप लेकर भागने का खून क्या किसी का डाका डाला है कहीं जेल तोड़कर भागी हो जवाब दो क्या जल्दी जीतने पापा व्हाट पापा पापा काफी बिगड़ी हुई मालूम होती हूँ कम मैं भी नहीं हूँ जो लड़की समझकर माफ किया लड़की समझकर माफ किया लोफा चीजें क्यों भागेगी दूर से बात करो ये जीप मेरी है तुम्हारी लाओ चाबी लाओ तुम कोई पागल तो नहीं हो विल यू प्लीज शट अप वाह मेरी जीप में बैठे मुझ पे ही रोक झाड़ रही हो तुम्हारी थी अब मेरी है मैंने खरीद ली है खरीद ली लेकिन किस उल्लू ने बेची है अरे बेचनी पड़ेगी बोलो कितने रुपए चाहिए तुम्हें इस खटारे के बोलो 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 चोर हो तुम उतर उतरो मेरी जीप से नहीं उतरूंगे उतरना पड़ेगा मैडम ये जीप बिकाऊ नहीं है तो फिर मैं कैसे जाऊंगी चलती सड़क है बहुत सी गाड़ियां आती है खरीद लेना कोई मेरे पास वक्त नहीं है मुझे जल्दी पहुंचना है अब तुम पहुंचा दो तुम्हें इनाम दूंगी अरे जाओ तुम क्या इनाम दोगी मुझे सीधी तरह क्यों नहीं कहती कि लिफ्ट चाहिए मैडम यहाँ अकड़ने से नहीं चलेगा सर को उधर कहाँ जाना है फुलवाड़ी ये बता मुझे तुम्हें कहाँ तक छोड़ना होगा फुलवाड़ी फुलवाड़ी यानी कि मुझे आपको फुलवाड़ी तक छोड़ना होगा जी हाँ हाँ मैम साहब आप जानती हैं यहाँ से फुलवाड़ी कितनी दूर है जी नहीं फुलवाड़ी यहाँ से 800 मील दूर है और मैं हर के सर्कस वहां तक नहीं जाने वाला कहा ना रुपये दूंगी तुम्हें क्या रुपये रुपये की रड़ लगा रखी है कागज के टुकड़ों पर इतना घमंड अच्छा नहीं समझी मैं आपको यहाँ से बस्ती तक लिफ्ट दे सकता हूँ चाहिए नहीं चाहिए फिर सोच लो शट अप क्या बददिमाग लड़की से पाला पड़ा है
चाहिए। Go to hell! उफ़ो। लूफ़ा। सुहाना सफर रुकती नहीं है नजारों पे नजर आहा आहा आये सुहाना सफर हुए आहा आहा आये सुहाना सफर रोकूं दिल को मैं कैसे ऐसे उड़ा जाए जैसे मांग लिए हो किसी पंछी से पर आहा आहा आये सुहाना सफर हुए आहा आहा आये सुहाना सफर ही जाए कभी भी मंजिल ना आए मुसाफिर जलता ही जाए धीरे धीरे हले हले मुझसे ये दिल बोले कट जाए रास्ते में सारी उम्र आहा आहा आये सुहाना सफर हुए आहा आहा आये सुहाना सफर कैसी है ये मतवाली लंबी लंबी काली काली जुल्फ किसी की है या ये डगर आहा आहा आये सुहाना सफर आहा आहा आये सुहाना सफर रुकती नहीं है नजारों पे नजर आहा आहा आये सुहाना सफर Thank you.
हट जाओ। अरे फिर जाते कौन सा बल्लम खेल लोगे? इतना ज्यादा पी तो नहीं, कौन क्या पी रहा है? कहाँ है मेरा चश्मा? गोली मारो किसने तो, चल के हाथ बताऊं करो। सब मिलके तोड़ लगा। हैंडसम लड़का किधर है? मैं कहा कि ओ यू शट अप बेटा, लग रहा है गलत। अरे हंसना रस्सी, रस्सी जंगल के बीच रस्सी किधर मिलेगी पूतनी की? अरे उधर से आप जा कहाँ रहे भाई साहब? जी भारत फार्म्स, अगली बस्ती से रास्ता जाता है। कोई मैकेनिक या वर्कशॉप नहीं है नजदीक? वो भी अगली बस्ती में। लेकिन वहाँ तक जाओगे कैसे? बोला ये भी कोई पूछने की बात है मुन्ना, हमारे साथ चलो। माफ कीजिए, ये टूरिस्ट बस है, आपके मुँह में रस्ते से मुसाफिर लेने की इजाजत नहीं है हमें आपके मुँह में। स्टूपिड, इजाजत नहीं है तो वो लड़की को कैसा बस में बिठाया था? आपके मुँह में। चलिए चलिए आगे बढ़िए, आइए देखिए। मेरी पिक्चर में एक हीरो की जरूरत है, आप मेरी पिक्चर में काम करेंगे? मैं फिल्म प्रोड्यूसर हूँ, प्रोड्यूसर डायरेक्टर हूँ। क्या नाम है तुम्हारा? सुनील। जरा स्पीड मार के शेरी मास्टर, नहीं तो रात को रेस्ट हाउस में कमरे नहीं मिलेंगे आपके मुंह में। अगर कमरे नहीं तो बरामदे तो मिलेंगे, फिर कैसे कर दिया? आपको कोने में खड़ा होकर जाना पड़ेगा मास्टर, सीट खाली नहीं है आपके मुंह में। खाली नहीं है तो खाली कर देगा आपके मुंह में। आप जनमैन, आप हमारे साथ। फिर बासी को ही में उबाल आया। यहाँ जगह नहीं, उसे क्या गोद में बिठाओगी? हम बिठा नहीं सकता, बैठ तो सकता है। What? सुनील, भारत फार्म पे क्या करते हो तुम? जी वो मेरे अपने, मैं फार्मर। बहुत अच्छे बहुत अच्छे, पढ़े लिखे लोग भी हम, खेती बाड़ी। सॉरी क्या कहा आपने? कुछ नहीं, मैं यही कह रहा था कि आज जो कुछ भी इनके साथ हुआ अच्छा नहीं हुआ। क्या हुआ इनके साथ? क्या बताऊं सुनील, इनकी कार का एक्सीडेंट करके एक लोफर इन्हें अकेला सड़क पे छोड़ के भाग गया। अगर हमारी बस ना आ रही है। कहा लोफर? लवली, एक लोफर इनकी कार के साथ एक्सीडेंट करके इन्हें अकेले छोड़ के भाग गया। अंधेरा है। ये सब इन्होंने कहा आपसे? हाँ इन्होंने ही कहा। तुम इन्हें जानते हो? अच्छा तो ये बात है। मैं बुबा है, वाइफ। कंडक्टर। क्या हुआ? रोको बस, मैं उतरना चाहती हूँ। अरे ये तो पूरा मांगे। मैम साहब ये टूरिस्ट बस है, मेरी नानी की बारात नहीं तो जगह जगह रुकती हो जाएगी आपके मुंह में। अरे मैं कहती हूँ रोको बस, मैं लोफरों के साथ सफर नहीं करना चाहती। हटना भैया, हटना। जाने दो जाने दो बेटी, नहीं जाने दो। सफर में हंसी मजाक का बुरा नहीं मनाते। और फिर सुनील तो अगले स्टॉप पे उतर ही रहा है। बैठो बैठो बैठो, मेरी बात पे विश्वास करो, अब सुनील तुम्हें नहीं छेड़ेगा। बैठ जाओ ना, अम्मा छेड़ना ही नहीं।
दो आ गए मेहमान। आज तो पांचों खे और सर कड़ाई में कसम पराई जान की। एक्सक्यूज मी करेक्ट अभी तो पकड़ो लाइयो मैं पकड़ लेता हूँ। कसम पराई जान की सलाम हुजूर। राम राम। सेवक राम हुकुम का गुलाम। मारे को ताश पास तो नहीं खेलना। अरे ताश नहीं हुजूर, कसम पराई जान की कली बहार अनार की गुलाब की शबाब की। अरे देखो क्या बेचिया है, सस्तो मिले तो ले लो मन दो मन। क्या बेचते हो? पकोड़े। भाई जान ये रहा इस खाकसार का पता, कभी दिल्ली तशरीफ लाए तो जरूर मिलिएगा। थैंक यू। नमस्कार। मुझे सुनील कहते हैं। और तुम्हें? नाम नहीं बताना चाहती। ना सही, लेकिन हम सफर से मिलता है, हर बशर से मिलता है। दिल कभी उम्र भर नहीं मिलता और कभी एक नजर नहीं मिलता। उजाला जी क्या है? नमस्ते जी। हर बात अनोखी, हर अदा निराली, हर फेवर तीखा। लोफर। हाँ मेरा गुजारा मैडम, बताओ। अस्सलामुअलैकुम। हर खास आम को इत्तला दी जाती है कि मैकेनिक मुकर्रम जा वलद हातिम ताई अगली बस्ती में एक मोटर की ढीली रगे कसने तशरीफ ले गए हैं। अगली बस्ती खावट। लाल गाड़ी लड़की क्या मुसीबत है। चलो। हेलो यंग मैन। हेलो हेलो। कहो काम हो गया? नहीं हुआ तो हो जाएगा, तुम अपनी फिक्र करो, जो हमेशा आज का काम कल पर टालते हो। यंग मैन घूमने चलोगे? हाँ हाँ तुम दोनों घुमाओ, मैं बहुत थक गया। जी मुझे तो माफ कीजिए। नमस्ते। For heaven's sake, मैं मैनेजर नहीं। कितनी बार तुमसे कहा है कि मैं कर्नल हूँ, रिटायर्ड कर्नल शमशेर सिंह। लेकिन मेरा बिस्तरा किधर है मैनेजर? डार्लिंग तू टूट लोगे, अजीब पिछाड़ी छत्ता पूछने का। क्या बात है कर्नल साहब, बिस्तर हो गया इनका? माय फ्रेंड बिस्तर मिस्तर कुछ नहीं खोया है, अकल तो नहीं है चूहे की। इतनी शराब पी गया है कि नशे में मुझे मैनेजर कहे जा रहा है। चूहा लवली। अजीब बाथरूम के बीच में जाकर इसके सर पर थोड़ा ठंडा पानी पाना चाहिए, तब ये पुतली का होश में आएगा। बाथरूम? मेरा बिस्तर बाथरूम में है। वेरी बैड मैनेजर। टू हेल विद यू एंड हेल विद योर मैनेजर। ये सवाल रहा है, लेकिन मेरा बिस्तर किधर है मैनेजर? क्रिस्टो मैं तेरे बाप के बराबर हूं, मुझ पर रहम कर, मुझे बख्श दे। मैं हाथ जोड़कर तुझसे कहता हूं बख्श दे मुझे, वरना मैं तुझे तोप के उड़ा दूंगा। पिताजी। चल मिस्टर मैनेजर। आई विल किल यू गंसे जानसे मरता हूं। जाने दीजिए। बीच में अरे साहब क्या जाने दीजिए, आधे घंटे से मेरी जान के पीछे लगा हुआ है, नाक में दम कर दिया। लेकिन इनका बिस्तर है कहां? यही अंदर इसी कमरे में। बताता हूं सुनता नहीं, समझाता हूं समझता नहीं, दिखाता हूं देखता नहीं। लाली एक्सक्यूज मी। चलो हंडल उड़ी के पुत्र, डेफिनेटली किस्टो किस्टो वहां
तुम मैनेजर हो? मैं दोस्त हूँ। दोस्त 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 ना रहा, प्यार प्यार ना रहा। मेरा कोई रेल, मेरा कोई दोस्त नहीं, मैं बिल्कुल अकेले हूँ। मैं लोन इन दिस मैड 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 वर्ल्ड में। पिक्चर अच्छी थी ना? अरे क्लाइमेक्स में तो बिल्कुल बिस्तर ही बिस्तर बिछे थे, लेकिन उधर भी मेरा बिस्तर नहीं। मेरा बिस्तर किधर है? और बिस्तर ये हियर इज माय बेड। ये हियर इज माय बेड। ये है नहीं, मेरा बिस्तर किधर है? यही है, यही है। इस सूटकेस आपका है, ये देखो। अरे ये चादर, ये चादर आपकी। मेरी चादर समझ में नहीं आता। आगे गई नहीं, पीछे मिली नहीं, तो गई कहाँ? लड़की उन्हें चलाक मुने बच्चे, वेरी क्लेव। कहीं ऐसा तो नहीं कार को कहीं छुपा कर दूसरी सवारी से निकल जाए? रुपया और जेवर बहुत है उसके पास, हो सकता है। हाँ, बस की पैसेंजरों में देखने चाहिए, जरूर देखना चाहिए। हाँ। सुबह होते ही बस को घेर लेना चाहिए। अपनी अपनी जान की खैरियत चाहते हो तो किसी हालत में लड़की हाथ से निकलने ना पाए। खाली हाथ वापस जाना मौत को दावत देना है। जरा दरवाजा खोलिए। जरा क्यों? खोल दूं? खोल ना। तू तो ऐसे डर रही है जैसे वो चिमट ही जाएगा। नहीं चिमटेगा। नहीं तो फिर क्या करना है खोल के? मैं इसे पूछ लेती हूँ, कौन हो तुम? मैं सुनील हूँ। अरे ये तो तेरे बाप का नाम है। चुप इडियट, तुम किसको चाहते हो? वो जो कोने में बैठी है, जिनकी बड़ी बड़ी आंखें हैं, गोरा गोरा रंग है, जिनको गुस्सा बहुत आता है। तो ये आपके चाहने वाले हैं? जो शादा। अजी आइए भी, हमसे क्या पड़ता? बिल्कुल के जाओ, तन्हाई चाहिए। ओके बेस्ट ऑफ लक। चलो चलो। हेलो, गुड लक, वेरी गुड लक। ओह हाँ, ऐसे में अरे ये क्या कर रही हो? गेट आउट। आउट नहीं इन, मुझे तुमसे बहुत जरूरी बातें करनी है। मुझे तुमसे कोई बात बात नहीं करनी है, गेट आउट। सुनो तो सही। शादा। देखो दिमाग सातवें आसमान पे चढ़ा रहता है। मैडम मेरी बात सीधी तरह सुन लीजिए, वरना तुम जाते हो या बुलाओ किसी को? बुलाने की कोई जरूरत नहीं, क्योंकि कुछ लोग बिन बुलाए आ गए हैं, लाल कार वाले को ढूंढते ढूंढते। खतरे में हो अब तो अगर छोड़ दो, वरना सुबह होते ही तुम्हें तुम्हारे माल समेत उठाकर ले जाएंगे। बचना चाहती तो चुपचाप बाहर आ जाओ और मुझे बताओ माजरा क्या है, मैं उनसे निपट लूंगा। प्रॉमिस। लाल कार, तीन शिकारी एक शिकार, क्या चक्कर है सरकार? खामोश क्यों, जवाब दीजिए। नहीं बताओगी, अच्छी बात है। ओ सफेद कार वालों, तो आप जाग गए। तुम अपने कमरे में जाकर सो क्यों नहीं जाते? सो जाऊं? इन लोगों से डर के सो जाऊं? आहिस्ता बोलो। तो फिर साफ साफ बता दो क्या चक्कर है। तुम्हें मतलब क्या चाहते हो तुम? बाहर आओ, बता।
मैं बाहर नहीं आ सकती। क्यों, मेहंदी लगी पैरों में? नहीं। छाले पड़े हैं क्या? नहीं। एक टांग छोटी है। क्या? कुछ नहीं। तुम एक बार आ जाओ ना। लेकिन ओ, इनकी फिक्र मत करो, यहाँ तुम्हारे मेरे सिवा और कोई नहीं है। बताओ क्या बात है? चुप रहने से काम नहीं बनने वाला है। सफेद कार वाले तुम्हें बड़ी बेताबी से ढूंढ रहे हैं। मैंने उनकी बातें सुनी हैं। किसी बड़े बॉस ने उन्हें तुम्हारे पीछे भेजा है। कौन है वो बड़ा बॉस? क्या चाहता है वो तुमसे? बात ये है, कुछ बदमाश मेरा पीछा कर रहे हैं। वो लोग मुझे लूटना चाहते हैं। अच्छा, घबराओ नहीं, मैं उन्हें संभालूंगा। आज से तुम मेरी जिम्मेदारी। मेरी जिम्मेदारी लेने की तुम्हें कोई जरूरत नहीं। अपना मुंह बंद रखो, बस इतना ही काफी है। गए नहीं? मेरी फीस। फीस? कैसी फीस? मुंह बंद रखने की। आपने तुम्हार चाचा लाल कार के बारे में सब कुछ बताने वाला जादूगर। तुम्हें पता है लाल कार कहाँ है? बिल्कुल, लाल कार के बारे में भी पता है और लाल कार वाली के बारे में भी पता है। कहाँ अच्छे कहाँ है वो? इतने पते की बात ऐसे ही बता दूं फोकट में? कुछ हो, क्या करते हो, कौन है तुम? लाल मोहम्मद गुरमुख सिंह डसूजा, बदमाशों में बदमाश, दादाओं में दादा। क्या चाहते हो? नामा, माल, टाका, निकालिए कितना है। अभी बताता हूँ लड़की का था पता। की प्रूव अच्छे फ्रॉड करछो ना? लाल कार ZMR 4326, खूबसूरत लड़की, गोरा गोरा रंग, बड़ी बड़ी आंखें, उससे से लाल लाल चमकती दमकती लहराती बलखाती हवा की तरह उड़ी जा रही थी। किधर किधर किधर? जरा सिगरेट बुझा दीजिए। बोलते क्यों नहीं? हाय कैसे बोलूं, जबान पर ताला जो लगा हुआ है, किसी ने मुंह बंद रखने की फीस दे रखी है। अगर आप चाहते हैं कि मैं मुंह खोलूं तो निकालिए, बट निकालिए, वरना शिकार हाथ से निकल जाएगा। निकालिए 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 निकालिए। बस ये तो बहुत कम है। इस वक्त हमारे पास और कुछ नहीं है। ये कब काम आएंगे? क्या मतलब? आप लड़की का पता चाहते हैं ना, तो फिर निकालिए। बहुत ही पहुंचे हुए मालूम होते हो, बताओ जल्दी। तो भागो जल्दी। कहाँ? धर्मपुर। धर्मपुर? 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 धर्मपुर। मैंने खुद ही उस लड़की को वहां का रास्ता बताया था। भागो जल्दी। हाय रे
पैसा हाय रे पैसा हाय रे पैसा हाय। पैसे का क्या यकीन कभी है ये तो कभी नहीं, पैसे का क्या यकीन कभी है ये तो कभी नहीं, पैसे का गुरूर क्या ऐसा भी हुजूर क्या। दौलत का सुरूर क्या ऐसा भी हुजूर क्या। पैसे के बदले तुम्हारी आंखें कोई मांगे क्या दे दोगे क्या दे दोगे। ओ दौलत के बदले तुम्हारी इज्जत कोई मांगे क्या दे दोगे क्या दे दोगे। आओ आओ इन पैसे वालों को समझाओ, पैसे का क्या यकीन कभी है ये तो कभी नहीं, पैसे का गुरूर क्या ऐसा भी हुजूर क्या। दौलत का सुरूर क्या ऐसा भी हुजूर क्या। सोनी के पास कोई जागीर थी जो मैवाल हुआ दीवाना हुआ दीवाना। क्या मजनू था सेठ क्या मजनू था सेठ, कोई जो दिल से बैठी लैला ये बतलाना अजीब बतलाना। जाओ जाओ उस दीवानी लड़की को बतलाओ, पैसे का क्या यकीन कभी है ये तो कभी नहीं, पैसे का गुरूर क्या ऐसा भी हुजूर क्या। दौलत का सुरूर क्या ऐसा भी हुजूर क्या। हीरे मोती धड़क सकते हैं बन के दिल कभी सीने में कभी सीने में। ओ सोना चांदी ही नहीं कुछ और भी होता है यारो जीने में हाँ जीने में। जाओ जाओ उस खिड़की के सामने गाओ, पैसे का क्या यकीन कभी है ये तो कभी नहीं, पैसे का क्या यकीन कभी है ये तो कभी नहीं, पैसे का गुरूर क्या ऐसा भी हुजूर क्या। दौलत का सुरूर क्या ऐसा भी हुजूर क्या। पैसे का क्या यकीन कभी है ये तो कभी नहीं, पैसे का क्या यकीन कभी है ये तो कभी नहीं, पैसे का गुरूर क्या ऐसा भी हुजूर क्या। दौलत का सुरूर क्या ऐसा भी हुजूर क्या। पैसे का क्या यकीन पैसा हाय पैसा।
My pants? My tongue. क्या मतलब हुआ इसका? और इससे तुमने उसे पागल समझ लिया? Of course. ऐसी हरकतें पागल ही करते हैं. मेरी बच्ची शरारती है. हो सकता है उसने शरारत में ऐसा किया हो. मैं एक शरारती बच्चे को देखने के लिए नहीं, एक पागल लड़के की इलाज करने के लिए बुलाया गया था. You are forgetting that. यह भूल रहे? मैंने हरगिज ये नहीं कहा था कि मेरी लड़की पागल है. मैंने तो सिर्फ अपनी उलझन तुम्हारे सामने रखी थी. ये फैसला करना कि वो पागल है या नहीं तुम्हारा फर्ज था. तुमने तो उल्टा उसे डरा दिया. I protest. बहादुर, आपकी बेटी मुझे डराया था. डरा मैं था, वो नहीं डरी थी. तो फिर तुम घर छोड़कर क्यों नहीं गए? वो क्यों चली गई? इसलिए तो पागल थी. पागल हो गए तुम. राय बहादुर प्लीज प्लीज, मैं आपकी परेशानी को समझता हूँ, लेकिन इसका ये मायने नहीं कि जो भी कुछ आपके मुंह में आ जाए आप कह दे नो, यू कांट डू दैट. कहूंगा, जरूर कहूंगा. तुमने मेरी बच्ची को मुझसे जुदा किया है. मुझे मेरी बच्ची चाहिए, समझे? डोंट गेट एक्साइटेड. आई एम नॉट एक्साइटेड. आवाज ऊंची मत करिए, मैं बहरे में हूँ. आई एम नॉट डेफ. और इस घटना की जिम्मेदारी आप मुझ पर किसी तरह से भी नहीं डाल सकते. इस घटना की सारी जिम्मेदारी तुम पर है. तुमको ही मेरी बेटी को ढूंढ कर लाना होगा. मुझे? राय बहादुर, आप ये क्या कह रहे हैं? आई एम ए साइकाइट्रिस्ट. मैं कोई जासूस नहीं हूं. आई एम नो जेम्स बॉन्ड. मोर ओवर, राय बहादुर, अब आपको चिंता की क्या बात है? अगर उजाला नाम का कोई आदमी है तो सपना उसे साथ लेकर आई जाएगी और आप उन दोनों की शादी कर देना. तुम राय बहादुर धरिंद्रनाथ राव की बेटी के बारे में बात कर रहे हो. उजाला चाहे इस लोक में हो या उस लोक में, सपना की शादी किसी राजकुमार के साथ ही होगी. तुमने हमारी नरमी देखी है, गर्मी नहीं. आइंदा कभी ऐसी बात मुंह से निकाली तो गोली मार दूंगा. कब आए तुम? सपना मिली? नो सर. नहीं मिली. ओ, ये क्या हुलिया बना रखा है? तुम्हारे कपड़े कहाँ हैं? नहीं आई सर, एक बदमाश मिला था जिसने हमें धोखा देकर सब कुछ लूट लिया. मेरे सामने से दूर हो जाओ, नहीं तो गोली मार दूंगा. हम अपनी बेटी की तलाश में खुद जाएंगे. मेरा ख्याल है मैं भी चलूं. नहीं, हम अकेले जाएंगे. मुझे खिड़की के बाहर पे हमारे होते हैं. तुम्हें कौन खिड़की के बाहर फेंक सकता है? पुतली का रखिए रखिए चिड़िया दिलदार शानदार मुमताज तनुजा सायरा बानू हर मौसम की शानदार चिड़िया. नहीं चाहिए. क्या हुआ मेम साहब? इससे भी और हंगामा बताऊं, एक से एक है अपने पास. सुना नहीं, चले जाओ यहाँ से. कितने? इसीलिए एक दिन के काम को तीन दिन लगते हैं. या रब्बुल आलमीन, अम्मा तुम कब आए? कैसे आए? क्यों आए? तुम्हारा खटारा कहाँ है? फिर कहीं एक्सीडेंट तो नहीं क्या? जरूर क्या होगा, मगर कोई बात नहीं. यार दोस्त वक्त पर काम नहीं आएंगे तो कब आएंगे? आओ बैठो बैठो बैठो, बोलो क्या खाओगे? देखो अपने लिए ऑर्डर करना. मैं खींच चुका हूँ. मक्खन चू, एक सांस में 127 सवाल पूछेगा तो जवाब सब तृषि ही देंगे. मुंह बंद रखो, मेरी बात सुन. बात छोड़, पहले होटल वाले को ऑर्डर करता हूँ. अबे वो चटनी के, चटनी खत्म. अबे चटनी कौन मांग रहा है? ढोलकी के. ढोलकी क्या? तेरी अम्मा का थोबड़ा ठीक तरीके से सुनता है या तो कसूते हैं? रहने भी दो पहलवान, गुस्सा हराम है. चलो मेरे साथ. चलो चलो चलो. नहीं उधर नहीं, इधर मेरे साथ चक्की गांव. क्या कहा? चक्की गांव? इतनी दूर? वो खटारा वहीं है ना. या बारी ताला, यानी वाकई तुम एक्सीडेंट करके आए हो? एक्सीडेंट किया नहीं, हो गया. अरे तुम मेरे दोस्त हो या दुश्मन? क्यों मेरी जान के पीछे पड़े हो?
तुम कहो तो मैं समझ काम ही छोड़ देता हूँ। न मैं मैकेनिक रहूंगा न तुम एक्सीडेंट करोगे। अरे दो दिन से मैंने अपनी बीवी की शक्ल तक नहीं देखी है और तुम कहते हो चक्की जाओ। मैं नहीं जाऊंगा, हर चीज नहीं जाऊंगा, नहीं जाऊंगा, नहीं जाऊंगा, हर चीज नहीं जाऊंगा, हर चीज नहीं जाऊंगा। नहीं जाएगा? नहीं नहीं नहीं। अच्छी बात है, लेकिन याद रख फिर कभी दोस्ती का दम भरा तो दम ही बाहर निकाल दूंगा। मिया भाई को दोस्ती का वास्ता मत दे, वरना वरना क्या? वरना मुझे जाना ही पड़ेगा। हेलो थैंक यू। भूख लगी होगी, कुछ खा लीजिए। गुस्से से पेट नहीं भरा करता, खा लीजिए ना। बहुत नाराज है मुझसे। तुम जाते हो या अब तो जाते हैं? मैं कदे समीर, फिर मिलेंगे अगर खुदा लाया। कमाल है, आप इधर भी पहुंच गए। केस्टो माफ कीजिएगा, कल रात के लिए मुझे माफ कर दीजिएगा। सॉरी कर्नल। मिस्टर केस्टो मैं कर्नल नहीं हूं, मेरा नाम रणधीर सिंह है, राणा रणधीर सिंह चौहान। छोड़िए कर्नल, कमाल है चौहान। कल रात मैं आपको जब बोला था मैनेजर, आपने बोला मैं कर्नल हूँ। आज मैं जो होश में आने के बाद आपको बोला हेलो कर्नल, आपने बोला मैं चौहान हूँ। बाप का माना क्या दोस्त? हेलो कर्नल, कर्नल इतना ज्यादा क्यों पीता हूँ? इडियट कर्नल, एक्सक्यूज मी कर्नल। हेलो एक्सक्यूज मी कर्नल, कर्नल पटना का पता लगने वाले को 5 लाख रुपए। अरे भले वानर टेलीफोन के कारण ढूंढे हैं। टेलीफोन आए नहीं, लेकिन टेलीफोन के तारे ऊपर से गई है। वो देखिए, वरना मजाक का वक्त सूझा है क्या? वरना किसी और को खबर लग गई तो 5 लाख। मैं तेरे साथ नहीं आ सकता, शायद किसी को मेरी मदद की जरूरत पड़ जाए। सारे जहां का तुम्हारे जिगर में तो है नहीं। अरे हर फटे में अपनी जान फंसा दे तो याद रखना किसी दिन खुद बचाओगे। चलो बैठो मेरे साथ। नहीं मैं नहीं आ सकता। अच्छा मुकरे, काली कुमार वाले खंडर के पास चाय की दुकान पे मिलना। करोड़पति की बेटी है, 5 लाख तो क्या, 50 लाख उससे निकालेंगे। Thank you.
क्यों लग रही है? टेलीफोन चाहिए, रास्ते में रोक लेना 2 मिनट के लिए, ये लो, बाद में और दूंगा। बहुत
सपना, रुक जाओ सपना। और नहीं चला जाता। कोई बात नहीं, यहां मेरे तुम्हारे सिवा और कोई नहीं। एक बात पूछूं, तुम घर से भागी क्यों? नहीं बताना चाहती ना सही, लेकिन जो कुछ भी हुआ अच्छा ही हुआ, वरना तुम मुझे मिलती कैसे? तुझे क्या हो गया है सुनील? एक वक्त था तू उसे सड़क पर छोड़ाया था, और आज अपना सब कुछ छोड़कर इसके साथ भटकता फिर रहा है। क्यों? तुझे इससे प्यार हो गया है सुनील। हाँ, बहुत प्यार। कितना खुश नसीब है तू कि तेरे प्यार को प्यार मिला। देख वो किस तरह देख रही है तुझे, लज्जाई हुई, शर्माई हुई, सहमी हुई। सोच क्या रहा है सुनील, करीब जा, उसके धड़कते हुए दिल से अपना दिल मिला दे, अपनी जिंदगी की हर सांस उसकी सांसों में घोल दे, उसके थरथराते होंठों पर अपने होंठ रखकर उनकी बेताबी दूर कर दे और कह दे कि तुझे भी उससे बहुत प्यार है सपना।
क्यों करती हूँ? मुझे हाथ मत लगाना, मैं किसी और की हूँ। उजाला की हूँ, उजाला की। किसी और की? उसी की खातिर मैंने घर छोड़ा, अपने पापा से अलग हुई, दुनिया भर की मुसीबतें उठाई, मुझ पर दया कर, दया कर, दया कर। मैं वो नहीं हूं जो तुम मुझे समझ रही हो। मैंने जो भी कुछ किया, जो भी कुछ सोचा, सिर्फ इसलिए कि मुझे तुमसे हमदर्दी है सपना। तुम्हारी अमानत कितनी अजीब बात है। आदमी सोचता क्या है और हो क्या जाता है। शायद लोग इसी को नसीब कहते हैं। We'll be right back.
मुखरी अस्सलाम वालेकुम। आ गए तुम, हद हो गई। मैं आधी रात से उसमें पड़ा सुकर रहा हूँ और तुम मैं जाने कहाँ आए फरमा के फिर रहे हो। तुम्हारी हालत कैसे हो गई? हर फटे में टांग फंसाने की कभी कभी सजा भी भुगतनी पड़ती। यही तो भाई तुम्हें समझाता हूँ, मगर तुम मानते कब हो? मुखरी, मैं एक जिम्मेदारी तुम्हारे सपूत करना चाहता हूँ। हमारे एक जिम्मेदारी क्या, 101 जिम्मेदारी हमारे सपूत करो, आखिर हम है किस लिए? मगर तुम इतने उदास और खोए खोए क्यों हो? किसी ने कुछ गड़बड़ की है क्या? बोलो बोलो, मैं अभी उस ढोलकी वाले के जाके डलपोल ढीले करके आता हूँ। तुम मेरी खातिर फुलवारी तक जाओगे? अरे फुलवारी तो क्या, मैं तुम्हारी खातिर जहन्नम में भी जाने के लिए तैयार हूँ। फुलवारी इतनी दूर, बाप रे, मर गया। वहाँ ऊपर सपना मिलेगी, उसे ये खत दे देना। किस मुसीबत में फंस गया हूँ यार। रब्बुल आलमीन, आखिर यार लोगों ने मुझे समझ क्या रखा है? काट का उल्लू, कभी उल्टी जीप सीधी करो तो कभी जीप वाले की तलाश में सात समंदर पार जाओ, जंगलों से सामान ढूंढ लाओ और अब हिमालय की चोटी पर चलो, लौंडिया ढूंढ लाओ और उसे फुलवारी पहुंचा दो। वाह भाई वाह, लौंडिया क्या हुई, सोने की चिड़िया हो गई। या अल्लाह, अब इस सन्नाटे में उसे ढूंढूं तो कहाँ ढूंढूं? जान न पहचान, खाला मसलाम। अजी सलाम वालेकुम। अरे मैंने कहा सलाम वालेकुम। अजी हमसे क्या पर्दा, हम तो तुम्हें लेने आए हैं। ए का बात है रे? धुत तेरी की, ये तो कोई देहाती छाप मालूम होती है। कोई बात नहीं, सुनील का भी जवाब नहीं। हाँ ये लो अपना खत, लो। कहाँ है इमा? मुझे क्या मालूम, ये चलकर तुम सुनील से ही पूछ लेना, चलो मेरे साथ। ए होश की बात कर, नहीं तो तनिक भरमा ठीक कर दे। हाँ। जबान संभाल के बात कर, घर के बाहर मैं भी शेर हूँ। हाँ। हम तो गीदड़ बना दे। ए गीदड़ तो मैं अपनी बीवी के सामने हूँ, यहाँ की बात कर, चलो मेरे साथ। तुम्हारा दिमाग तो खराब नहीं है? इसको कैसे पता चला? ये बात तो मेरी बीवी ही कहती है। कोई बात नहीं, सुनो। हाँ सुनो, मुझे सुनील ने तुम्हारे बारे में सब कुछ बता दिया है कि तुम बहुत जिद्दी हो, बहुत गुस्से वाली हो, बहुत नखरे वाली हो, इसलिए मैं तुम्हारी किसी बात का बुरा नहीं मानूंगा। मैं तुम्हें लेने आया हूँ और लेकर ही जाऊंगा। लेकर जा अपनी माँ बहन को, समझा? अरे तेरी की, ये तो गाली गुफ्तार पे उतर आई है ढोलकी की। ढोल क्या होगा तो हर बाप। अरे 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 क्या कर रही हो? अरे सुनो सुनो, देखो मैं खानदानी आदमी हूँ, मैं लड़कियों पे हाथ नहीं उठाता। अरे अरे तुम तो तलवारबाजी कर रहे हो। सुनो सपना, सपना सुनो सपना, तलवारबाजी मत करो, सुनो तो बात मेरी। सपना, तू हमका सपना काहे कहता है? तो क्या तुम सपना नहीं हो? अरे हट, हमारा नाम तो जलेबन है। जलेबन? जलेबन तो जा कढ़ाई में, ला हौला वला कुव्वता, खाम खा वक्त जाया कर लिया। धुत तेरी की, मेरा वक्त भी जाया हो गया। अच्छा हुआ अपना भेजा नहीं घुमा, वरना पुर्जे ढीले। सुबह हो गई क्या? हाँ उठो, सुबह हो गई, नमाज पढ़ो। पापा उठ गए? पापा भी। पापा ये कौन है चटनी की, देखो तो यारी मजा। कौन हो तुम? मुकरी मुकरम जा, मैकेनिक। यहाँ क्यों आए हो? जूतियाँ खाने नहीं, मेरा मतलब है सपना की तलाश में। क्यों? उसे फुलवारी पहुंचाना है, सुनील ने मुझे भेजा है। क्या तुम सपना हो? हाँ मैं सपना हूँ। अस्सलामुअलैकुम। लेकिन सुनील कहाँ है? सुनील तो मेरी जेब में है, ये देखो पढ़ो। मेरे हरे भरे खेत पर अचानक बिजली की थोड़ी है, इसलिए जा रहा हूँ। ये मेरा दोस्त मुकरी है, तुम्हें तुम्हारी मंजिल तक पहुँचा देगा। सुनील, ये लो तुम्हारी अमन, ये लो। जीप नीचे खड़ी है, चलो मेरे साथ।
उनका खेत कहाँ है? बहुत से खेत है उसके। कौन से खेत की बात कर रही हो तुम? जिस पे बिजली गिरी थी। बिजली? बिजली बिजली तो कहीं नहीं गिरी, किसी ने यूं ही बंडल फेंका होगा। ला हौल वला कुव्वत। आओ चलो। तुम सुनील को कब से जानते हो? बस यूं समझ लो कि तुम्हारा बड़ा लड़का, ओहो मेरा मतलब मेरा बड़ा लड़का सिकंदर जा कब पैदा हुआ था, ओहो तुम्हें इससे क्या, ये रजब शाबान रमजान ही कुछ 8 साल हुए। आदमी है लाखों में एक, मगर सर फिरा, हर फटे में अपनी टांग फंसा देता है। किसी दिन मुंह के बल गिर जाएगा देख लेना। आजकल तो कर भला तो हो बुरा है ना। मगर वो तुम्हें छोड़कर क्यों चला गया? तुम उन्हें कहाँ छोड़कर आए? बस स्टैंड पर। क्यों, अभी तक वो होंगे वहाँ? टायर मार उठ रहे। क्यों मौलाना, यारों से भी बंडलबाजी? कौन से खेत पर बिजली गिरी थी तुम्हारे? जरा इन्हें बता देना, मैं सिग्नल मारकर आता हूँ। हाँ बिना कहे सुने क्यों चले आए सुनील? बेमतलब बेगरज मेरी जिम्मेदारी ली थी, फिर इतना गुस्सा किस बात पे आया? मैंने तुम्हें गलत समझा, इसका मुझे कितना दुख है तुम क्या जानो? भूल को भूल समझकर भी भुलाया नहीं जाता। कहाँ जा रही हो? उजाला के पास। जीप में क्यों नहीं जाती? उजाला तक पहुंचने के लिए तुम्हारी जीप में जाना जरूरी है, ऐसा मैं नहीं समझती। तुम मुझे गलत समझ रही हो। किसने कहा? ये भूल तो मैं बार बार नहीं कर सकती। तो फिर मुकरी के साथ जाने में क्या हर्ज है? मैंने कब कहा हर्ज है? मैं हर आदमी का एहसान ले सकती हूँ, ये तुमने कैसे समझ लिया? लेकिन मुकरी मेरा दोस्त है। मेरा भी दुश्मन नहीं। मेरा ही साथ जाना जरूरी है? ये तो मैंने पहले भी नहीं कहा था। लेकिन तुम्हारा वो खेत जो चल गए, उनकी याद ना ही आती। Thank you.
तेरी सरकारें, गोरे मुखड़े से गोरी सरकार, पुनर रंग लेने दे, कच्चा रंग है उतर जाएगा, न डर रंग लेने दे। जमाने की सौगातें पहले ले दे मुझको आगरा, फिर ले चल मुझको आगरा, ताज महल के सैर तो करवा दे हो पहले सैया, पकड़ फिर भैया, पकड़ फिर भैया, पकड़ फिर भैया। खुजली का सरतिया इलाज, अबे किस कम्बल को खुजली है। सपना का पता चलाने वाले को 5 लाख रुपया इनाम है, 5 लाख रुपया इनाम। खेले में बैठना हमारी तवीज है, ले जा
ले जा तेरा खेला, नहीं चाहिए तेरा खेला। हाँ, बड़ी लगती। अभी रुक जा, अरे मैं कहता रुक जा, अरे नहीं रुकता, अरे जा जा नहीं रुकता है तो क्या हुआ? मैंने बहुत देखे तेरे जैसे गाड़ी वाले, अबे जा। रुक जा, अरे रुक जा, अरे मैं कहता रुक जा। एक लखपति गधे की तरह भाग रहा है ढोलकी के, शर्म नहीं आती? ऐसी 10 मोटरें खरीदूंगा, हाँ खरीद कर बताऊंगा। जब मेरी मोटरें आएंगी फिर तो आगे खुली के खुली रह जाएंगी चटनी के, समझता क्या है? आगे मोटर पीछे मोटर, आगे हॉर्न पीछे हॉर्न, ये तो बजने भी लगे। आगे मोटर, सुभान अल्लाह, अब वो बच्चे कहाँ जाएगा यानी मजा। अस्सलाम वालेकुम, अबे ढुलकी के जल्दी चला, हम बहुत तेजी में हैं। कौन हो तुम? मुकरी शेख मुकर्रम जा, लखपति पंज लखपति। चाहते क्या हो? माल। हाँ? माल। माल? कैसा माल? मेरा माल। अरे रोता क्यों है? दोस्ती का जनाजा उठ जाए, मुरम्मत और वफादारी फला फिल्ला हो जाए, मैं नहीं रहूंगा तो क्या तुम रहोगे? खामोश। चुप्पे ढोलकी के, दो सेठों के बीच में ड्राइवर होकर चमचा जाता है। निकली बात। क्या कहा तेरी तो? अबे मैं क्या करता है, छोड़। तुम बाहर निकलते हो कि नहीं? नहीं निकलूंगा, माल वसूल करके रहूंगा, मियां भाई का माल है, हलक में उंगली डाल कर निकाल लूंगा, कालफाम सुना के साले को बेहोश कर दूंगा। मियां तुम्हारे पास कालफाम है? कहां जाते हो? कालफाम लाने, रहने दो। अरे तुम आदमी हो या जानवर? किसी की मोटर में इस तरह घुसाना और ऊपर से ये बदतमीजी। किसी की? यानी मोटर तुम्हारी भी नहीं है? हरकत नहीं, मैं अभी से खरीदता हूँ, इधर आ रहे चटनी के। अरे तुम पागल खाने से भाग कर तो नहीं आए? कौन मैं? हाँ तुम, मेरा पागल होंगे तुम या तुम्हारा, खबर था। होशियार, निकल बाहर। देख फिर मेरा कमाल कि क्या करता है ढोल चटनी के। मैं कहता हूँ छोड़ दे, पहले मुझे मोटर में बैठने दे, नहीं तो मैं तेरी हड्डी फसली कर दूंगा, तू समझता क्या है? अबे इतनी जोर से मारने को किसने बोला था? ढोलकी के, ढोलकी के मर गया। सारी खुशियां हैं मोहब्बत की जमाने के लिए, सारी खुशियां हैं मोहब्बत की जमाने के लिए, मैंने तो प्यार किया बहाने के लिए, सारी खुशियां हैं मोहब्बत की जमाने के लिए, सारी खुशियां हैं। Thank you.
तेरा नाम तो आ जाता कभी, याद कर लेते मुझे भूल ही जाने के लिए। सारी खुशियां हैं मोहब्बत की जमाने के लिए, सारी खुशियां हैं। अपने अरमानों की तस्वीर बनाने के लिए, सारी खुशियां हैं मोहब्बत की जमाने के लिए। मैंने तो प्यार किया आस बहाने के लिए, सारी खुशियां हैं मोहब्बत की जमाने के लिए, सारी खुशियां हैं। कब जागी तू? बहुत अच्छा गीत था लेकिन लेकिन बहुत उदास। तुम इतने जज्बाती, इतने गहरे हो, मैंने कभी सोचा भी नहीं था। ऐसा गीत क्यों गा रहे? सुनील, तुम भी किससे प्यार करते हो? आओ चलें। अरे क्या देख रहे हो, खाओ ना। सुनील, तुम मुझे फुलवारी पहुंचा कर अकेले वापस आओगे? बहुत लंबा सफर है, बोर हो जाओगे। मैं आऊं तुम्हें वापस पहुंचाने के लिए, फिर तुम मुझे वापस पहुंचाने के लिए आना, फिर मैं, फिर तुम, फिर मैं, फिर अरे मैं नीचे कैसे उतरूं? आओ ना, नजदीक आओ। तुम्हें उसे बहुत प्यार है सुनील, बहुत खूबसूरत है वो। मुझे ऐसे लेके खड़े क्यों हो, उतारो ना। आओ ना बैठो। सुनील, आजकल तुम हमेशा उसी के बारे में सोचते रहते हो क्या? हाँ। क्या सोचते हो? यही कि उसके लिए आसमान से सितारे तोड़ लाऊं, उसे सूरज की किरणों पर झूला झूलाऊं, बिना पंख उड़कर उसे चांद पर ले जाऊं? तुम भी ऐसे ही सपने देखते हो क्या? ऐसे सपने कौन नहीं देखता। मैंने भी ऐसा एक सपना देखा था, मैंने भी सपनों के महल बनाए थे, झील के किनारे फूलों की महक से लदा हुआ एक छोटा सा खूबसूरत घर, चांदनी रात, और मैं उड़कर उसके लिए चांद की किरणें तोड़ लूं
और उनका एक हसीन जाल बनाकर सारे के सारे सितारे समेट लूं और फिर उन्हें उसकी गोद में सजाकर कहूं, लो आज के बाद दुनिया प्यार की भूखी रह जाएगी, मैंने सब प्यार समेट कर तुम्हारे कदमों में रख दिया है। मैं अगर वहां हुई तो कहूंगी ये भी कम है, मेरा प्यार इससे भी ज्यादा है। तुम्हारा प्यार? तुम्हारा प्यार है कहां? यहां, मेरा मतलब यहां। नहीं, वहां कुछ नहीं है। क्या कहा? ठीक कहता हूं, तुमने सिर्फ प्यार का नाम सुना है, उसकी कहानियां सुनी, उसके शेर पढ़े, प्यार किसे कहते हैं तुम क्या जानो? मैं क्या जानू, जिसने प्यार की खातिर अपना घर छोड़ा, अपने पापा से अलग हुए, दुनिया भर की सारी मुसीबतें उठाई, वो प्यार नहीं जानेगी तो कौन जानेगा? तुम? हाँ, मैं जानता हूँ प्यार किसे कहते हैं, प्यार की आग क्या होती है, कैसे कलेजा जलाती है, कैसे नींदें हराम करती है, कैसे खून के आंसू फुलाती है। प्यार सिर्फ फूलों की सेज नहीं, कांटों का ताज भी है। मैं पूछता हूँ प्यार तुम किससे करती हो? हवा से, कागजों से, किताबों से? बेवकूफ लड़कियों की तरह बगैर आदमी को देखे मुझे घर से भाग लेना पागलपन नहीं तो और क्या है? जिसे इन आंखों से देखा नहीं उससे प्यार कैसे हो सकता है? तुम्हारा प्यार एक वहम है, एक धोखा, एक फरेब, एक खूबसूरत झूठ। जिससे तुम प्यार करती हो वो उजाला नहीं, उजाला की कविता है, सिर्फ कविता। मुझे फुलवारी पहुंचाने के बाद महाराज अधिराज इस नाचिस से मिलने की तकलीफ गवारा फरमाएंगे? फुलवारी पहुंचने के बाद तुम्हें किसी और से मिलने की फुर्सत ही कहाँ होगी? हाँ हाँ, वहाँ पहुंचने के बाद मैं हिंदुस्तान की प्रधानमंत्री जो बन जाऊंगी, मुझे सांस लेने तक की फुर्सत कहाँ होगी? मुझे अभी भी तुम्हारे साथ जाने की फुर्सत नहीं, रोको जीप, मैं उतरना चाहती हूँ। मेरा पर्स कहाँ है? सुना नहीं, मेरा पर्स कहाँ है? मेरे बैग में। मेरा पर्स तुम्हारे बैग में क्यों है? भूल हो गई। खबरदार जो ऐसी भूल दोबारा की तो। क्या बात है, इसको कहते हैं सच्चा प्यार, सच्ची मोहब्बत। तारों से उसकी गोद भरना शायद काफी नहीं था, इसलिए शायद चुड़िया ली गई है उसके लिए। ये उसी के लिए है ना? हाँ, ये उसी के लिए है। तो फिर मेरे पर्स के पास क्यों रखी थी? जवाब दो, जवाब दो। डाकू मंगल सिंह के आदमी को मारकर तू जिंदा रह सकता है? लड़की को हमारे हवाले कर दे। Thank you.
जान तक की बाजी क्यों लगाई? तुम्हारी सारी जिंदगी पर ये सोचने को, अगर कभी तुम्हें इस बात का जवाब सूझ जाए तो मुझे भी बता देना। आओ चलो, मुझसे तुम्हारी जिम्मेदारी का बोझ और नहीं सहा जाता। क्या क्या कहा? जिम्मेदारी, बोझ? मैं तुम्हारे लिए सिर्फ जिम्मेदारी हूं, बोझ हूं। बोलो, बोलते क्यों नहीं? एक बार तुमने मुंह बंद रखने की फीस मांगी थी, आज जवाब देने की कीमत भी मांग लो। सपना, मांगो कीमत, मांगो इनाम, मांगो। हर जिम्मेदारी इनाम की भूखी होती है। बोलो क्या भूख है तुम्हारी? रुपया? सपना, कितना रुपया चाहिए तुम्हें? 10 लाख 20 लाख 25 लाख? कायर, उस दिल मुझ पर हाथ उठा सकते हो, लेकिन जुबान से ये नहीं कह सकते कि बिजली खेत पर नहीं तुम्हारे दिल पर गिरी थी। जिसकी मंजिल, मकाम, कारवां जलकर खाक हो गए, वो बदनसीब एकलौता बेटा और कोई नहीं है, तुम ही हो। वो बुज़दिल जो अपने प्यार की आग में जलता रहा, जो चाहता है सपना उसे खुद कहे। सुनील, सुनील, मुझे तुमसे प्यार है। तुम ही मेरी जिंदगी हो, मेरे सपने हो, तुम ही मेरी मंजिल हो, तुम ही मेरा उजाला हो। सुनील, अपनी जगह, दिल की जगह कुछ और है। दांत का मैं मुस्ताहक हूं, दिल का कोई और है। उजाला साहब, मैं माफी चाहता हूं, आपको खामखा तकलीफ दी, यहां तो मामला कुछ और है। कोई बात नहीं रहे साहब, यही आगे बढ़िए, दोनों को आशीर्वाद दीजिए, जाइए ना।